आप देख सकते हैं दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से खाना सामने पड़ा है और वो आरिफ को ही ढूंढ रहा है। मेरा दोस्त देख लीजिए आप लोग कि चिड़ियाघर में कैसे क्वारंटीन किया गया है। उसके सामने खाना रखा है, वो खाने को सिर्फ देख रहा है और काश कि हम उसके पास होते तो खाना तुरंत खा लेता। कि जीने दे या जालिम दुनिया, मेरे सारस को सुकून से उसकी और मेरी दोस्ती तब की है जब लतपत पड़ा था वो खून से। तब सारस क्या कहता है कि आंखें बिछाए बैठे हैं रास्ते पे यार के, कि आंखें बिछाए बैठे हैं रास्ते पे यार के और काटे नहीं कटते ये दिन इंतजार के। वीडियो में देखिए कैसे खड़ा हुआ है चुपचाप। आप देख सकते हैं दोस्तों सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कि सामने खाना पड़ा है लेकिन सारस खाना नहीं उठा रहा है। इससे यही साबित होता है दोस्तों कि वह अपने दोस्त आरिफ को ढूंढ रहा है और आरिफ के बिना ये खाना भी नहीं खाएगा। और दोस्तों आप ही बताइए, अगर ये खाना नहीं खाएगा तो इसकी जान खतरे में है कि नहीं? ये कितने दिन तक जीवित रह सकता है बिना भोजन किए? तो मैं कहता हूँ, जहाँ तक मेरी थिंकिंग है कि वन विभाग टीम को बहुत जल्द एक ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे इन दोनों की दोस्ती फिर से एक हो जाए और जल्दी से आरिफ को यह सारस लौटा दिया जाए ताकि ये खाना भी खाने लगे और पहले की तरह जीने भी लगे और खुशहाल जिंदगी अपने ये दोनों जिए, है ना। देखिए आप देख सकते हैं कि जौन पैर टूटा था उसी पैर के माध्यम से सिर्फ खड़ा है, खुद को तकलीफ देता हुआ।